बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको शॉर्टकट में PGBP है, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके पास लेके आएगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपर्टाइज नॉलेज, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम क्वालिटी नॉलेज शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। डेप्रिशिएशन पे आज हम एक PGBP का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, हम रीड कर देते हैं। प्रोप्राइटर जो है वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपके सामने दी गई है। ओपनिंग WDV है, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 1 अप्रैल 2019 की है, 30 लाख रुपये। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई है और उसको पुट टू यूज रखा गया है 8 जून 2019 को, जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपये। पुट टू यूज पे फोकस किया गया, यानी इसका कोई राज है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किए और पुट टू यूज किया गया है उसे 15 दिसंबर 2019 में, जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपये। और कंप्यूटर एक्वायर किया गया है और इंस्टॉल किया गया ऑफिस प्रिमाइसिस में, ठीक है, जो कि 2 जनवरी 2020 में लिया गया, जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपये। SEC ने हमसे डिमांड मांगी है कि हमें डेप्रिशिएशन एंड एडिशनल डेप्रिशिएशन कंप्यूट करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। एज्यूम दैट ऑल द एसेट वर परचेज्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है और जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग का आइडिया नहीं है उनके लिए मैंने क्वेश्चन को रीड भी कर लिया। तो चलिए अब बिना समय गवाए सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और नॉर्मल डेप्रिशिएशन और एडिशनल डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा थ्योरी में ऑलरेडी हमने बता दिया, अब मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, कि सेक्शन 32 हमारा डेप्रिशिएशन से डील करता है। ठीक है, सेक्शन 32, ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, पहले मैं प्रोविजन को क्विक रीड कर दूंगी। ठीक है, आपके सामने आपको बता दूंगी, मतलब उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। पहला पॉइंट जो है वो प्रोविजन पे ध्यान देने का है कि अगर एसेट एक्वायर किया गया है प्रीवियस ईयर में और पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है। ठीक है, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, देखिए मैं इसको रीड ही कर लेती हूँ। ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर, तो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है एज अ नॉर्मल डेप्रिशिएशन एंड एडिशनल डेप्रिशिएशन, दोनों ही नॉर्मल एंड एडिशनल डेप्रिशिएशन, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जो भी आपका रेट होगा उसका 50%, ठीक है, ऑफ द अमाउंट। ठीक है, और नॉर्मल डेप्रिशिएशन जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, जो जनरल क्लॉज है उसका, वो है 15%। ठीक, और एडिशनल डेप्रिशिएशन जो है वो हमारा है 20%। ठीक है, तो अगर 50% किया जाएगा एडिशनल डेप्रिशिएशन का तो क्या हो जाएगा 10%। तो एडिशनल डेप्रिशिएशन किस किस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपके सामने एक बार वो रिकॉल कराना चाहूँगी कि एडिशनल, एक कंडीशन तो ये कि ये केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन शिप एंड एयरक्राफ्ट को इसने एक्सेप्शन में दिया है, जो कि एक्वायर एंड इंस्टॉल दोनों ही बोला है। एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल कब हो जाती हैं, आफ्टर 31 मार्च 2005 में। ठीक है, जो कि SEC किस में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है या कोई प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, या आपका पावर जनरेटिंग काम में इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो क्या रेट है एडिशनल डेप्रिशिएशन का, 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे ध्यान देंगे 20% किसका है, एक्चुअल कॉस्ट। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, दैट मीन्स इसका कुछ वैल्यू है, फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। अच्छा, एडिशनल डेप्रिशिएशन किस पे नहीं लगता है, पहला प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जो इंस्टॉलेशन से पहले यूज किए, चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर किसी भी और व्यक्ति के द्वारा, यानी वो यूज हो गई फिर, ठीक। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉल हुई हो किसी ऑफिस प्रमाइसिस में,
किसी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में या किसी गेस्ट हाउस में। ठीक, थर्ड केस में कोई ऑफिस अप्लायंसेस लिए हो, कोई रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लास्ट केस जो है कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसका होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट क्या है, डिडक्शन अलाउड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, किसी भी एक प्रीवियस ईयर में डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, इन चारों केसेस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और शिप और एयरक्राफ्ट के केस में भी नहीं मिलेगा। एसेट अगर पुट टू यूज है फॉर लेस देन 180 डेज तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इस पर, सेक्शन 32, 50%, ठीक है। सो आई होप आपको प्रोविजनल रिकॉल हो गया हो, और जो बेसिक रेट है प्लांट एंड मशीनरी का, जनरल रेट है, वो कितना है, 15%। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया गया कौन सी प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। तो चलिए, अब हम, आई होप आपको प्रोविजन रिकॉल हो गया हो, अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। अब मुझे कुछ सेकेंड्स दीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूँ। आई होप आपने न्यूमेरिकल जो मैंने ऊपर रीड आउट किया था वो आपने नोट डाउन कर लिया है, नहीं तो इसका पीडीएफ हम वेबसाइट पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल आपके पास जो है परमानेंटली आ जाएगा, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। काम चलाओ, क्लीन हो गया ये, चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम देख लेते हैं, ठीक है। आपने एक मशीन जो है परचेज की है, ठीक है, जो ओपनिंग WDV है वो कितने की है, 30 लाख की है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, जो कि 8 जून 2019 में जो है परचेज की गई है। तो हम देख लेते हैं, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू कब है, 1 अप्रैल 2019 में कितनी है, 30 लाख रुपए। एक सेकेंड, ठीक है, कितनी हो गई, 30 लाख रुपए हो गई WDV, ठीक। फिर ऐड क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कब परचेज की थी ये, 8 जून 2019 में कितने की थी ये, 20 लाख रुपए की थी, ठीक है। फिर एक और प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की थी कब, 15 दिसंबर में, ठीक है, 2019 में कितने की थी, वो थी आपकी 8 लाख रुपए की, ठीक है। और एक आपका कंप्यूटर परचेज किया था जो कि आपका ऑफिस यूज के लिए था, ठीक है, वो कितने का था, 3 लाख का था। और वो कब परचेज किया था आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका जो परचेज हुआ है वो हुआ है 2 जनवरी 2020 में, तो ये तो क्लियरली 180 डेज से कम है, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 180 डेज का क्लॉज है, डेज काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 50% आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ये भी लेस देन 180 डेज आ रहा है, 8 लाख की जो मशीनरी परचेज की है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये दोनों जो है 30 लाख एंड 20 लाख, इस पर 100% डेप्रिसिएशन, और मैंने जनरल रेट कितना बताया, प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट कितना है, 15% है, ठीक है, जनरल रेट कितना है, 15% है। तो 15% ऑन 50 लैक्स कितना होगा, 7,50,000 नॉर्मल डेप्रिसिएशन। 8 लाख वाली जो मशीनरी परचेज की थी ये लेस देन 180 डेज है, तो 15% का 50% यानी 7.5%, 15% का 50% जो कि 7.5% हो गया, किस पे लगेगा, 8 लाख पे लगेगा, कितना हो गया आपका ये, 60,000 हो गया, ठीक है।
कंप्यूटर पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दूसरा है, वो कितना है, 20% है लगेगा। रेट कितना था कंप्यूटर पे, 40%, क्योंकि 50% इसलिए क्योंकि लेस देन 180 डेज है कंप्यूटर। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी, आपके कंप्यूटर की वैल्यू आ रही है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 40%, लेकिन लेस देन 180 डेज है तो कितना हो जाएगा, 20%, ठीक। और 3 लाख इसकी वैल्यू थी, तो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये, ठीक है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात आ जाती है, नॉर्मल रेट कितना है, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना नॉर्मल रेट था, 20%, ठीक है। अब जो 30 लाख की मशीन थी वो तो WDV है ना, न्यू परचेज नहीं है ना, न्यू परचेज वाली कौन सी थी, 20 लैक्स वाली थी, ठीक है। 20 लैक्स वाली आपकी न्यू परचेज थी, ठीक है। लेकिन पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज है, वो तो 20% पूरा इसमें मिल जाएगा, तो 4 लाख डेप्रिसिएशन एडिशनल इधर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी क्लियर है। 4 लाख आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन इधर हो जाएगा। फिर एक आपने क्या परचेज किया हुआ है, एक और मशीनरी परचेज की है 8 लाख रुपीज की, ठीक। तो उस पर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, क्योंकि जो 8 लाख की मशीनरी परचेज की है वो 15 दिसंबर 2019 को परचेज की है, ठीक है। तो ये कितना है, लेस देन 180 डेज है, ठीक है। तो इस पर 10% लग जाएगा, कि कौन सी मशीनरी थी, 8 लैक्स वाली मशीनरी थी, तो कितना हो गया ये, 80,000 हो गया। अब कंप्यूटर, क्या इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑफिस प्रमाइसिस के लिए यूज हो रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे आपका टोटल डेप्रिसिएशन अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, 7.5 लाख एक तरफ, 60,000 एक तरफ, 4 लाख अलग, और 80,000 एक तरफ, कितना हो गया, 12,90,000, यानी 12,90,000। और कंप्यूटर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो इस पर क्या हो गया आपका, नेट 60,000 डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ये फिगर्स कैसे आए हो, और इसीलिए यही वजह थी कि पहले मैंने आपको प्रोविजन किया। अब एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एग्जाम हॉल में अगर ऐसे टाइप के कोई न्यूमेरिकल आता है या कोई फुटलेज भी न्यूमेरिकल आता है, तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोविजन को लिखेंगे। प्रोविजन को लिखने से प्लस पॉइंट क्या होता है कि एक तो आपको पूरा प्रोविजन रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको जब रिकॉल हो जाएगा तो आपकी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना है, और थर्ड जो है गिवन इन्फॉर्मेशन को लिंक करना है आपको प्रोविजन से। फिर फिफ्थ स्टेप आपकी आ जाएगी सॉल्यूशन की, इससे आपकी प्रैक्टिस करेंगे आप रेगुलरली ऐसे, ठीक है। और हम जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, जो गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें यही पैटर्न फॉलोड है, ताकि ये आपको इतना ज़्यादा आपके बेस में आ जाए, नहीं जैसे डेली हैबिट होती है कि उठना है तो ब्रश करना है, ठीक है, या खाना खाना है, पानी पीना, ये डेली हैबिट्स हैं, तो ये आपकी एक तरीके से हैबिट बन जाए कि ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल देख करके आपकी ऐसे ही प्रोविजन में आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर जाएं, और उतनी स्पीड भी बन जाए आपकी, क्योंकि स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया हो कि डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 हम कैसे कैलकुलेट करते। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, वो कमेंट सेक्शन पे हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। अपने गाइडेंस प्रोग्राम्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और ये PDF भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल आइडियाज़ सजेशंस देंगे, ताकि उनको एनालिसिस करने के बाद हम फ्यूचर वीडियोज़ में ऐड करें और आपके पास क्वालिटी नॉलेज लेकर आएँ। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जय हिंद, जय भारत।